पहले भी कई घटनाएं हुई पुलिस द्वारा चार्ज करती है। छह महीने हो गए आंदोलन को, मतलब इनको शर्म नहीं आती जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है छह महीने से, यहाँ पे टोलू में पूरे हरियाणा में आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश भर में हजारों जगह आंदोलन चल रहे हैं। सरकारों को शर्म आनी चाहिए। किसान क्या करेगा? किसान किसी न किसी का तो विरोध करेगा ना। आप बात तो ये सुनोगे उसकी तो विरोध भी नहीं करेगा, आप लाठीचार्ज उस पर करोगे। इनका मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह रास्ते जाम करवा रखे हैं, और जो निर्णय होगा वो पूर्ण रूप से लागू होगा। कल से वादा भी कहते कि और जगह सड़कों पे थानों पे रिश्ते बैठे हैं, जो भी यहाँ का निर्णय होगा पूरे देश भर में उसको लागू करवाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोर्चे में चल रहे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। हमारा अगर प्रदर्शन है किसी को काले झंडे दिखाने का है तो काले झंडे दिखाने का है। हम कहीं मुख्यमंत्री के साथ में मारपीट कर रहे हैं वहां पर, कहीं जो कर रहे हैं, अरे जिस रास्ते पर मुझे आ रहे जाओ प्रदर्शन कर रहा है वहां पर उसको काले झंडे दिखा रहे हैं। ये तो बात सुन लो भाई किसानों की, तो जा रहे हैं जो भी कमेटी निर्णय लेंगी, क्योंकि हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं है, रास्ते में जानकारी हुई 11 लोग हमारे जा रहे हैं, जो भी वार्ता करके जो लोग आएंगे उस पर पूरे देश में उसको लागू करवाया जाएगा। जो भी यहां से कॉल होगी संयुक्त मोर्चे की, जो भी कॉल होती है उसको फॉलो होती है कॉल, तो भी बच्चों सब लोग अपना इंतजार करें उनकी। हमारे जो जितने भी किसान है, पहली शर्त हमारी है कि जो हमारे किसान है वे हमारे बीच में आए। बहुत गाड़ियां रास्ते में थानों में खड़ी हुई है, झंडे लगी गाड़ी है किसी थाने में खड़ी है, वो भी देखिए एक जगह है कोई सा रास्ते में जगह थी पुलिस की चौकी वहां खड़ी, तो वे गाड़ी अपनी यूज की होगी, नहीं तो थाने में तो कोई पुलिस वाला तो है नहीं है, माला झंडा लगा कर वो आंदोलन में आ रहा, अपनी गाड़ी होगी किसी न किसी की, बहुत गाड़ी गुम होगी। ट्रैक्टर भी वहां माजरा कौन सा गाँव है उसका ट्रैक्टर भी तोड़ा बाजरे का बाजरा पिया, और उस गांव के साथ आठ लड़के अकेले गांव के ही बंद है। तो ये है कि आज हम तो उनको बातचीत करके जो भी निर्णय लेंगे उसका लिया जाएगा। अपना यहाँ रुकना होगा तो भाई यहाँ रुकेंगे, गिरफ्तारी देनी होगी तो गिरफ्तारी देंगे, करेंगे लाठीचार्ज को आप करेंगे तो शासन के इलाज के लिए तो बैठे और क्या देखो लड्डू खुआ नहीं ना यहाँ पर भाई, लड़ाई में जो लड़ाई गई तो वो खेल के बाहर बैठे, लड़ाई में कोई लड्डू खुला खुला रहे इनका इलाज करवा रहे, बगैर इलाज करे तो सरकार का जाए नहीं इलाज तो इनका कई जगह करा। देखो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव थे, अब 3050 सीटें है वहां पे, इनमें 600 सीटें जीतती और 200 सीटें जीतती बेईमानी से, तो ओरिजिनल इनको 400 सीटों पर लोगों ने वोट दिया, नहीं तो सब भरा गई। और हालात ये होगी कि अध्यक्ष इन्हीं के बढ़ रही, क्योंकि 2 महीने बाद में चुनाव होगा, 2 महीने उन्हें कोई राख नहीं सकता अपना, फिर उन्हें ठा ठा कर उनको मुकदमे लिख के ये करके उनके कारोबार बंद करके और वोट अपने आप ले लेंगे। अध्यक्ष इनके 400 कैंडिडेट जीतते 3000 में से, और वो अध्यक्ष बनेंगे इनके, क्योंकि ये तो ठग ठगे हैं, चीटिंग कर रहे हैं और थोड़ा कुछ करे। जब तक कोरोना की बीमारी चली, जब तक तो भीड़ में इलेक्शन करवाए, और अब जैसे हापुड़ जिला है शामली जिला है तो वहां पे 17-17 वोट है आदमी की, वोट डाल लेंगे 18 आदमी, कई 40 आदमी डाल लेंगे वहां पे कोरोना है कि नहीं, 2 महीने लोग को इलेक्शन नहीं होगा, 40 आदमी वोट डाल लेंगे तो उसमें भीड़ है क्योंकि उसमें उनसे सेटिंग करनी है। तो भाई बेईमानों की पार्टी है, इनसे बच के रहना, ठग ठग है, कोई ना कोई बात करके जाओगे घुमा के। अब और बात नहीं बनी, कह लेगा भाई कोरोना फैला रहे किसान, लिस्ट दे रहे बहुत लंबी लंबी, कह लेगा उस गांव में इतने मर गए इतने मर गए, वे वहां आंदोलन में गए उस गांव का आदमी के यहाँ वहां हो गया उसने जाकर बीमारी फैलाई और उसे उससे आदमी उड़ रहे, अब और कुछ न रही पाया तो इस पर लगा दिया।
तो ये है कि भाई इनका मुकाबला करना पड़ेगा और डट का मुकाबला करना पड़ेगा जब मुद्द का दावत करा तो आन दो इनको इन लोगों को आन दो। अरे हरियाणा का देखा क्रांतिकारी है, इसमें कहने की कोई बात नहीं। छह महीने से लट्ठम लट्ठा ही हो रहा सरकार की कैबिनेट में। हाँ नहीं होगा, अब ये लाठी से आंदोलन को दबाना चाहते हैं, लाठी से आंदोलन नहीं दबागा। मैं पानीपत से आया, पानीपत रोड से करनाल रोड से पब्लिक हो रही थी जाम। अरे मैं कहा जब खड़े हो गए तो जाम करो, इसे रोको, रोड़ा रोको, होगा जब भी तो कुछ होगा। तो और जगह बहुत जगह लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये यहाँ का नहीं क्या होगा बताएंगे, हम भी बात करेंगे उनसे बीच में। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.